हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन सॉल्युएबल फॉर पी मेथड के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि ये वाली मेथड हम कब यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस टॉपिक के एक दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, जिससे करके ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो इक्वेशन सॉल्युएबल फॉर पी है क्या? तो ये एक मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, या फिर बोल लो ये मेथड का यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक बात आएगी कि ये वाली मेथड हमें कब लगानी है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो उसका सिंपल सा आंसर है, अगर दिया गया न्यूमेरिकल या डिफरेंशियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तभी हम ये मेथड का यूज कर सकते हैं उसका आंसर फाइंड करने के लिए। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी क्या, हमें पता है पी स्क्वायर माइनस पी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, या फिर यहां पे प्लस लिख लो, ये कैसा फॉर्म हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन या न्यूमेरिकल अगर हमें ये फॉर्म में दिख जाए तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं ये वाली मेथड का यूज करके। अब कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो उसके सिर्फ दो ही स्टेप है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बोल देंगे कि dy by dx is equals to p के बराबर अज्यूम करना है, और लास्ट स्टेप पे हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, जिससे करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें याद रखनी है। कौन सी पहली चीज, के दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाके हम उसे ये स्टेप का फॉलो करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल लिखा है सॉल्व dy by dx का स्क्वायर माइनस dy by dx माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इसे सॉल्व करना है। कौन सी मेथड यूज करें, सॉल्युएबल फॉर p मेथड यूज करें, या सॉल्युएबल फॉर x, या सॉल्युएबल फॉर y? तो यहां पे सॉल्युएबल फॉर p मेथड लगेगी। कैसे, क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये अगर dy by dx p कंसिडर करते हैं तो p का स्क्वायर माइनस p माइनस कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कुछ लगेगा, ठीक है। तो सॉल्युएबल फॉर p मेथड ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, लेट dy by dx बराबर p लेते हैं। तो ये इक्वेशन कैसे लिख पाएंगे, dy by dx की जगह p, p का स्क्वायर हो गया, dy by dx is equals to p minus 6 is equals to 0, यानी ये कौन सा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम सॉल्युएबल फॉर p मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स निकाल देते हैं। ये जो 6 है इसे हम लिख सकते हैं 2 3 6, ठीक है। और आंसर किसके बराबर चाहिए, यहाँ पे 1 है, यानी माइनस 1 के बराबर चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस 3 कर देता हूं तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आई होप फैक्टराइजेशन आपको आता होगा। p कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, p माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन निकालते हैं तो p माइनस 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हो गया p माइनस 3, दूसरा फैक्टर हो गया p प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पर लिख लेंगे p माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा p प्लस 2 बराबर 0। तो p का वैल्यू आ जाएगा प्लस 3, और दूसरा p का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2, यानी p के दो वैल्यू हमें मिल चुके हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये दो p की वैल्यू जो है, जो हमने अज्यूम किया था dy by dx by p, उसमें रख देंगे। तो पहले लिख लेते हैं यहां पे dy by dx is equals to p, कौन सा वैल्यू रख देते हैं, 3 रख देते हैं, ठीक है, और पास में ही कर देता हूं। और दूसरा dy by dx is equals to कितना लेंगे, दूसरा ये रहा माइनस 2, तो माइनस 2 कर दिया, ठीक है। अब सेपरेबल मेथड यूज कर लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं, कैसे, dy इज इक्वल्स टू 3 dx, dy वाले एक साइड, dx वाले एक साइड, यहां पे भी वही कर देंगे, dy इज इक्वल्स टू माइनस 2 dx, y और x को सेपरेट कर दिया, ठीक है। फाइनली क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू 3 तो कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर dx, यहां पे भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dy माइनस 2 कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर dx, अब इसे सॉल्व कर देते हैं, ये क्या होएगा 1 dy का इंटीग्रेशन y, which is equals to 3 1 dx का x, और साथ में c लगा देंगे, यहाँ पे 1 dy का y हो जाएगा, which is equals to minus 2 as it is, 1 dx का x, साथ में c, ठीक है। y माइनस 3x माइनस c बराबर 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम y प्लस 2x माइनस c बराबर 0 हम लिख सकते हैं,
तो ये जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आंसर हम लिख लेते हैं दोनों को कंबाइन करा के, कैसे, y माइनस थ्री एक्स माइनस सी वाई प्लस टू एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू, दोनों जीरो के बराबर है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन बोल लो या आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी न्यूमेरिकल है सॉल्व डीवाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस सेवन डीवाई बाई डी एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे कौन सी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो सॉल्यूबल फॉर पी मेथड लगा देंगे। तो यहां से दिख भी रहा है कि डीवाई बाई डी एक्स अगर हम पी के बराबर लेते हैं, डीवाई बाई डी एक्स अगर हम पी के बराबर लेते हैं तो यहां पे डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेवन डीवाई बाई डी एक्स पी हो जाएगा प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। यानी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही है, सो पी स्क्वायर प्लस सेवन पी प्लस ट्वेल्व, ठीक है। तो हम ये सॉल्यूबल फॉर पी मेथड का यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे फैक्टर कर देते हैं, तो ये 12 का क्या हो जाएगा, 4 थ्री जार 12, ठीक है। और आंसर क्या लाना है हमें, 7 लाना है, तो क्या करेंगे, 4 प्लस 4 प्लस 3 कर देंगे, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 3p प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो। यहां से p कॉमन निकाल दिया, p प्लस 4 प्लस 3 कॉमन निकाल दिया, p प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो। तो दो फैक्टर आ गए, p प्लस 4 और दूसरा p प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। सो p प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो एक, p प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो दूसरा। सो p इज इक्वल्स टू माइनस 4, एक वैल्यू मिली p की, p इक्वल्स टू माइनस 3 दूसरी वैल्यू मिली p की। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है जो हमने अज्यूम किया था dy by dx is equals to p, उसमें रख देंगे 1/1, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं dy by dx is equals to p की जगह क्या रख ले, माइनस 4, ठीक है, रख लिया। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा है dy by dx is equals to p की जगह क्या रखे, दूसरी वैल्यू माइनस 3। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर ले, कैसे, dy को एक साइड और dx को एक साइड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। उसी तरीके से यहां पे भी dy एक साइड, dx को वो साइड ले जाओ, ठीक है। लास्ट में क्या करा देंगे, इंटीग्रेशन करा देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू माइनस 4, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर dx, इंटीग्रेशन ऑफ dy माइनस 3 इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy y हो जाएगा माइनस 4 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x का x हो जाएगा और साथ में प्लस 3 लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy का y हो जाएगा माइनस 3 कॉन्स्टेंट 1 dx का x साथ में c। अब लिख लेंगे y प्लस 4x माइनस c इक्वल टू जीरो, ठीक है, और यहां पे लिख लेंगे y प्लस 3x माइनस c इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। कंबाइन कैसे करें, y प्लस 4x माइनस c और y प्लस 3x माइनस c दोनों किसके बराबर है, जीरो के बराबर, तो जीरो लिख लिया। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है सॉल्यूबल फॉर p के, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूबल फॉर x अनसॉल्यूबल फॉर y के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।